एनसीसी के सभी विद्यार्थियों ने कलेक्टर के बाहर किया प्रदर्शन। पुलिस भर्ती में विशेष लाभ दिए जाने की करी मांग। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अजमेर एनसीसी कैडेट को राजस्थान पुलिस भर्ती में विशेष लाभ दिए जाने को लेकर एनसीसी के सभी विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एनसीसी विद्यार्थियों ने कहा कि राजस्थान राज्य में सभी एनसीसी कैडेट को जिन्होंने सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है उन्हें भारतीय सेना की भर्ती में लिखित परीक्षा की छूट दी जाती है। उसी तरह सेना भर्ती की एनसीसी कैडेट को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत लिखित परीक्षा में छूट दी जानी चाहिए। गौरतलब है ये राजस्थान में आचार संहिता लग चुकी है, उसके बावजूद भी एनसीसी के विद्यार्थियों ने कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आज अजमेर एनसीसी के सभी कैडेट्स और भूतपूर्व कैडेट्स ने मिलकर एसडीएम को और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने की सोची और सभी ने एकत्रित होकर और हम ज्ञापन देंगे। राजस्थान पुलिस की भर्ती जो 12,000 पदों पे जो आ रही है उसके एवज में हमने ये ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि आर्मी में जिस तरह से एनसीसी कैडेट के सी सर्टिफिकेट वालों का पेपर माप होता है वैसे ही राजस्थान पुलिस में पेपर माप हो, क्योंकि इसका कारण ये है कि एनसीसी करने में 3 साल लगता है। 3 साल के वक्त में हमारी 21 साल की जो लिमिटेड उम्र है आर्मी की वो पूरी हो जाती है और नहीं तो हमें फायदा आर्मी में मिल पाता है और राजस्थान पुलिस में हमारा पेपर माफ नहीं होता, इस कारण हमारी मेहनत का पूर्ण फायदा नहीं मिलता। लोकसभा चुनाव लग चुके हैं, आचार की बात याद आई आज? हमें आचार संहिता से मतलब नहीं है, हम छात्र हैं, हमें नेता नहीं बनना है, हमें नौकरी लगनी है, हमें हमारी मांग करनी है और हमें राजस्थान पुलिस की भर्ती आ रही है तो हम चाहते हैं कि उस भर्ती में ही हमें लाभ मिले, क्योंकि जब तक आचार संहिता पूरी होगी लोकसभा चुनाव होंगे उसके बाद कौन सी सरकार आएगी क्या प्रोसेस रहेगा वो हमें नहीं मालूम है, हमें फायदा चाहिए। क्यों चुप बैठे थे, आचार संहिता पे क्यों याद आई? आचार संहिता से हमें नहीं मतलब, हमें जब इसका विज्ञापति जारी हुई है राजस्थान पुलिस की भर्ती की तभी हमने ये ज्ञापन देने की सोची है और सभी की मांग दी है। हमने सभी 50 कैडेट्स ने इकट्ठे होकर ये ज्ञापन दिया है और कलेक्टर से हम ये मांग करते हैं कि हमारा पेपर माफ किया जाए और हमारी जो 3 साल की मेहनत हम करते हैं जो 70% हम आर्मी का अंग है उसकी हमें पूर्ण पूर्ण फायदा मिले, हमारी मेहनत का फायदा मिले, हम यही चाहते हैं राजस्थान पुलिस में हमारा पेपर माफ हो। दिनेश चौधरी, छात्र प्रतिनिधि।